सब्सक्राइब द पॉइजर। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो में फिशिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे मुझे एक लिंक मिला हुआ है फ्लिपकार्ट की, 13flipkart.xyz, ये देख रहे हैं लिंक है। ये किसी व्हाट्सएप यूजर ने मुझे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किया ये लिंक। तो देखिए, ये बिल्कुल ये फ्लिपकार्ट की तरह दिख रहा है, दिखने में फ्लिपकार्ट की तरह है, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है। ये उस पेज के एक कॉपी बना रखा है उसने, और यहाँ पे एक बाई नाउ का बटन लगा दिया, राइट। तो जब हम बाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे सब एड्रेस मांग रहा है आपकी डेटा, जबकि सब कुछ देखिए डिटेल्स मांग रहा है, राइट। तो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे पेमेंट के लिए पूछ रहा है। अब जैसे मोबाइल में अगर ओपन करते हो तो फोन पे तो पूछ रहा है पेमेंट ऑप्शन, तो फोन पे डायरेक्ट खुल जाता और फोन पे से पेमेंट करने को पूछता, या पेटीएम गूगल पे ये सब पूछ सकता था, या स्कैन एंड पे का भी ऑप्शन दिया है, तो UPI के थ्रू स्कैन करके ये पेमेंट लेने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह का ये फ्रॉड हो रहा है, फिशिंग करते हैं, जो लोग नहीं जानते वो शिकार हो जाते हैं इस चीज़ का। तो देखिए ये सब फेक है, ये कॉपी है, ये कहीं भी आप क्लिक करेंगे कुछ भी करेंगे कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही इस सेलर को देख सकते। पर मेन होता है किसी चीज़ को लिंक ओपन करने के पहले आप ये ऊपर URL देखें, URL को चेक करें कि वो सही है या गलत है, ये सारी चीज़ चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कुछ भी एक्शन लेने के पहले। तो ये मैं चीज़ें बता रहा हूँ, और इससे बचा कैसे जा सकता है ये तो आप जान गए होंगे कि फिशिंग क्या होता है। अब फिशिंग अटैक से अगर आप बचना है तो आप किसी भी तरह इसका शिकार नहीं होना चाहते, तो कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे आपके किसी भी तरह का यूजर नेम पासवर्ड आपकी गोपनीय जानकारी होती है, इसे आपको किसी के अनुरोध करने पर भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इन यूजर नेम और पासवर्ड में आपकी कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं जो इसके थ्रू हैकर्स के डेटाबेस में सेव हो जाती हैं और उसका वो यूज कर सकता है आप। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप तो जान गए होंगे कि फिशिंग होता क्या है। तो हमेशा भी कोई भी लिंक इस तरह की आए, कोई भी चीज़ लगे कि हाँ वो फेक है, तो उस पर क्लिक ना करें, ना ही किसी को फॉरवर्ड करें। फिशिंग क्या होता है? जैसा फिशिंग इसके नाम से ही जाहिर है कि यहाँ पर किसी मछली को पकड़ने की बात की जा रही है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि मछली को पकड़ने को इंग्लिश में फिशिंग कहते हैं, जिसमें FISHING होता है। तो अगर हम फिशिंग से F को हटा दें और PH लगा दें तो फिशिंग बन जाता है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है ऑनलाइन जालसाजी। इस फिशिंग में क्या करते हैं हैकर जो होते हैं, जो इथिकल हैकर्स नॉर्मल हैकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, चारा फेंक कर मछली को पकड़ते हैं। यहाँ पे मछली मतलब कोई यूजर हो गया, कोई उपभोक्ता ग्राहक होता है एक नॉर्मल, जो ऑनलाइन कुछ भी करता रहता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो अटैकर्स होते हैं वो एक चारा फेंकते हैं, चारा इन द सेंस आपको कोई लुभावने एडवर्टाइज देते हैं, लुभावने लिंक देते हैं, आप उन लिंक पर क्लिक करते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर पेज पर जाता है, आपसे कुछ डेटा मांगा जाता है, कुछ आपके डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन ली जाती है, और वो उस चीज़ को चुरा लेते हैं। तो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे आपको एक मेल आता है और ये मेल कुछ ऐसा लगता है कि आप उसमें कुछ ऐसे लुभावने चीज़ लिखी रहती हैं कि आप उस पर एक्शन लेने लग जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस एक ईमेल पर कुछ ऐसा लिखा होता है कि जो आपको आकर्षित कर लेता है। जैसे ईमेल पर लिखा है कि आपको कोई नया ऑफर मिला है, कोई सिक्योरिटी की अपडेट दी गई है, आपको लॉगिन करना पड़ेगा इसके लिए, या कंपनी ने आपके अकाउंट पर कोई अनैतिक एक्टिविटी नोटिस की है, या फिर लिखा हो सकता है कि इस लिंक पर क्लिक करें और क्लिक करके लॉगिन करिए, इससे आपको वेरीफाई किया जा रहा है। तो कुछ ऐसे ईमेल आने के बाद भी नॉर्मल यूजर करता क्या है, वो इन ईमेल को सीरियसली ले लेता है। ईमेल पर दिए गए लिंक पर क्लिक करने के बाद वो फेक या नकली वेबसाइट पर पहुँच जाता है, इसके बाद उस फेक वेबसाइट पर लॉगिन करने की कोशिश करता है। यहाँ पर वो लॉगिन नहीं होता, लेकिन जो अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालता है वो अटैकर्स हैकर्स के डाटाबेस में सेव हो जाता है। तो इस तरह यूजर जो है फिशिंग का शिकार हो जाता है। इस तरह से लिंक जो होते हैं, आजकल व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे लिंक शेयर होती हैं इस तरह की लिंक।